यस तो देखो यार बच्चों, एक चीज होती है, एक टीम चाहिए आपको जो ना केवल खाली पढ़ाए बट आपको टाइमली मोटिवेट भी करे। कई बार होता है ना मैम, बच्चे कई बार कहते हैं कि मुझे मेरे रिश्तेदार ने ये कह दिया, मुझे उसने ये कह दिया, लोग क्या कहेंगे कि बाद में, या कुछ मुसीबतें आ ही जाती हैं, तैयारी कर रहे हैं। देखिए वैसे भी नीट की तैयारी, मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि इंसान से भगवान बनने की तैयारी है, तो आपको मेंटली वैसे प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आपके लिए 4 लाइनें, वैसे मैं हमेशा हर ओरिएंटेशन में कहता हूँ, ये कैसे खाली जाएगा, राइट? तो इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। कहते ना कि अगर तुम मुझे 100 परेशानियां दोगे मैं 101 सहन कर सकता हूँ, तुम मुझे 1,000 मुश्किलें दोगे मैं 1,001 मुश्किलें सहने की ताकत रखता हूँ। ये तुम्हें सोचना है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है, मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो बस ये ध्यान रखना है इस बात का कि यार तुम्हें कोई कुछ भी कहते कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुमने अगर अभी जैसे स्पेशली 2024 वाले बच्चे, वो ये सोच रहे होंगे कि यार मेरा क्लास 11th ठीक नहीं हुआ, खराब हो गया, मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया था, क्लास 12th में मेरा बोर्ड भी है 11th भी है, दोनों चीजें एक साथ मैनेज कैसे करूंगा। सारी चीजें चलती रहती है तुम्हारे दिमाग में, और कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे भी सही कि अब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, अब तो तुम भूल जाओ तुम्हारा सिलेक्शन। तो ये वही जवाब है कि तुम जितने कंकड़ फेंकोगे रास्ते में उन्हीं को चुन चुन कर मैं इमारत बना लूंगा, तुम मुझे कैसे रोक पाओगे। तो ये टीम जो असीम टीम, बेटा नाम देखो आप, असीम टीम हमारी, ठीक है? क्योंकि आपको शून्य से लगाकर तो शिखर तक ले जाने की, असीम तक ले जाने का हम में प्रण है, और इसी के साथ हम लोग काम करते हैं।